धनबाद के सराय ठेला स्थित जिम जाने के लिए घर से निकली एक युवती ने रैपिडो बॉय को छेड़खानी करने पर सबक सिखाया। बगैर कैमरे के सामने आई युवती ने यह बताया कि राइड के दौरान चालक ने अश्लील हरकत करने की कोशिश की, जिसे उसने भाप लिया और जब राइड पूरी हुई तो चालक ने युवती का फोटो क्लिक कर लिया। पूछने पर उसने बताया कि सिस्टम में अपलोड करना होता है, तब युवती ने उसे कहा कि मेरे सामने अपलोड करो, लेकिन उसने सिस्टम में अपलोड नहीं किया। तब युवती ने उसे पकड़ लिया और उसकी मोबाइल और चाबी छीनकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। चालक बार बार गलती के लिए माफी मांगता नजर आया। थोड़ी देर बाद डायल 100 पर शिकायत दर्ज करने के बाद स्थानीय सराय ठेला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने हवाले थाने ले गई। और हालांकि युवक बार बार माफी मांगता रहा। तो मान लीजिए दोनों व्यक्ति को हम थाना ले जा रहे हैं, वहीं पर जो होगा मान लीजिए क्लियर वहीं पर होगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगा वहाँ पर। सूचना क्या मिली थी सर? सूचना मिला था कि एक लड़की को मान लीजिए छेड़खानी का हमको मुझे सूचना प्राप्त हुआ था रैपिडो के द्वारा। हाँ, हमको अंडे डाल से अपना मान लीजिए फोन आता है वहाँ से। जी जी, एक लड़की के साथ छेड़खानी मान लीजिए किया जा रहा है, तो फिर मान लीजिए उसी पर हम आए और दोनों व्यक्ति को हम ले जा रहे हैं। मांडू प्रखंड के विकास पदाधिकारी सुधीर प्रकाश और मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय कुमार, जय कुमार ओझा सहित मांडू प्रखंड के तमाम मुखियाओं के साथ रामगढ़ उप विकास आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के तहत देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से शुरुआत की है। अभियान को दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। गिरिडीह लोकसभा के एनडीए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कानावाडी और डुमरी प्रखंड के विभिन्न गांव एवं सुदूर इलाके में शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्य किया गया। करोड़ों रुपए की लागत से शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। सांसद ने कहा कि विकास के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा, हर इलाके में सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल चाहे अन्य बुनियादी समस्याओं से ग्रामीणों को जूझना नहीं पड़ेगा और हर गांव को दूसरे गांव से पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 5 स्कोप ऐप।